बहुत सारे लोग गाय को बांध कर रखते हैं, पर यहाँ पर गाय खुली रहती है और लोग बंधे हुए रहते हैं। स्वभाव शांत होता है और कहीं ना कहीं इनसे दूध भी ज्यादा मिलता है। हाली आपने क्यों सजा रखी है? विदेश से नौकरी छोड़कर गोपालन करना। गाय आपने कितने में खरीदी और कितने लीटर वाली खरीदी? शेड कैसे बनाना चाहिए और कैसे सस्ते में अच्छा काम हो जाए? गिर में प्रॉफिट है या नहीं है? भारत वर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी सप्लाई कर रहे हैं। दूध 80 से 85 रुपए लीटर जाता है और घी की जो कॉस्टिंग 3,000 के ऊपर तक जाती है। आपको गोपालन का कोई भी नॉलेज नहीं था तो क्या क्या कठिनाई आपको शुरुआत में आई? नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आया हूं इंदौर मध्य प्रदेश में गिर गायों के एक शानदार डेयरी फार्म पर। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे 150 से ज्यादा यहां पर शानदार गिर गायों का कलेक्शन है। आज की इस वीडियो पर आपको गिर गाय का गोपालन कैसे आप शुरू कर सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे गिर गाय के फार्म से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी होने वाली, क्योंकि इस फार्म को शुरू हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं। तो इस वीडियो में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है गिर गाय के डेयरी फार्मिंग के ऊपर। तो चलिए अब आपको मिलाते हैं हम निकी भैया से और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारा फार्मर्स चॉइस पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी शानदार वीडियो हमेशा लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब मिलाते हैं आपको। तो सर नमस्कार। नमस्ते राम भैया, कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम खुश, एकदम अच्छे। बिल्कुल, गौ माता के साथ में तो एकदम खुश और एकदम बढ़िया, एक ही अलग ही स्वाभाविक है। एक तो ये अलग ही अनुभूति होती है, इतने गोवंश के बीच में रहते हैं तो सुखद, अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आपका परिचय बताइए और जब आप ये फार्म शुरू किया उसके पहले आप क्या कर रहे थे वो भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। मेरा नाम निकी सुरेखा है, मैं ग्राम सनावदिया इंदौर में गिर गोवंश का गोपालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग ये पिछले 8 सालों से ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, हमने 9 गोवंश से ये कार्य शुरू करा था, जो कि अभी 140 से ज्यादा गोवंश है छोटे बड़े सब मिलाकर। और गोवंश में आने के पहले, ये गोपालन कार्य के पहले, गौशाला संचालन के पहले, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। मैं एजुकेशन से इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैंने एक्सटेंशन नामक MNC में 12 साल काम करा है और उसी मेरे जॉब के ड्यूरेशन के दरमियान ही मैंने कुछ साल विदेश में भी, USA में, शिकागो में भी बिताए हैं। और उसके बाद 2016 में इंदौर आके ये कार्य शुरू करा हमने। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विदेश से नौकरी छोड़कर गोपालन करना? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसको एक लाइन में अगर बोलने की कोशिश करूं तो सुखद जिंदगी से सुकून भरी जिंदगी की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए शुरू करने का मकसद क्या है आपका? इसको शुरू करने का कारण और प्रेरणा मेरी बेटी कायरा है। तो जब कायरा को किसी कारणवश हमार को एक आयुर्वेद चिकित्सक के यहाँ ले जाना हुआ तो उनने देशी गौमाता के दूध और घी का सेवन का सजेशन दिया, जिससे कि उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिससे कि उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास में फायदा होगा। तो वहाँ से जब हमने उन्हें सलाह दी और हमने बाजार में देशी गौवंश का दूध और घी ढूंढने की कोशिश करी तो हमें कोई भी प्रामाणिक ऑथेंटिक घी और दूध नहीं मिला। बिल्कुल। और वहाँ से समझ में आया कि आज हर भारतीय की ये ज़रूरत है और ये उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा हुआ करता था, जो आज की तारीख में बाजार में बहुत कम या बहुत मुश्किलों से उपलब्ध है। बिल्कुल। तो हमें वहाँ से शुरू हुआ कि क्यों ना हम ये कार्य शुरू करें, अगर ये तकलीफ हमारी है तो हमारे से और भी पेरेंट्स की ये परेशानी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ से हमने 9 गोवंश के साथ ये कार्य शुरू करा था। तो अब मुझे आप एक ये बात बताइए कि जब आपने गोपालन शुरू किया तो वैसे आपको गोपालन का कोई भी नॉलेज नहीं था तो क्या क्या कठिनाई आपको शुरुआत में आई वो थोड़ा सा आप बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जब गोपालन शुरू करा था तो मैं तो फर्स्ट जनरेशन फार्मर हूँ। बिल्कुल। इसके पहले कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पता था। लेकिन बोलते हैं ना कि मैंने गोवंश या मैंने गौ सेवा शुरू नहीं करी, उनने मुझे चुना सेवा करने के लिए, तो गौ माता ने ही रास्ते बनाते गए। शुरू में एक गौ वंश या गौ सेवा करने में सबसे बड़ी चुनौती जो आज भी है, कल भी थी और हमेशा रहेगी, वो है गौ सेवक की ढूंढने की। क्योंकि आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग भी गौ सेवा के या गौ कार्य में लगना नहीं चाहते हैं, तो जो गौ सेवक है उनको ढूंढना और उनसे कार्य कराना ये एक सबसे मुश्किल कार्य मुझे लगता है। और इसके अलावा अगर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आई है तो वो भी थोड़ा शेयर कीजिए। प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, चुनौतियां थी शुरू में। कुछ चुनौतियां ऐसी भी थी जब हमने गांव में आके गोवंश या गोपालन का कार्य शुरू करा तो आसपास के किसान या परिवार के लोग या दोस्त लोग
उन लोगों के मन में संचय था कि क्या ये कार्य सच में कर पाएंगे या कुछ दिन में छोड़ देंगे। बिल्कुल। आसपास के किसान को लगता था कि जब हम किसान पृष्ठभूमि से आने के बाद ही ये कार्य नहीं कर पा रहे तो ये बाहर से आने के बाद और विदेश से आने के बाद तो उनके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होता था। वो खुलकर बोलते थे या खुलकर नहीं भी बोलते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि ये कुछ समय बाद शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। वही जो किसान पहले हमारे को एक संचय की उससे देखते थे नज़र से, आज वही आके हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण शिविर होता है हर क्वार्टरली 3 दिन का, उसमें भाग लेकर वो सीख के जा रहे हैं। और आज सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि हमने 4 से 6 ऐसी गौशाला तैयार कर लिए जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण पाके खुद की गौशाला शुरू कर पाए हैं। अच्छा। 8 से 10 किसान ऐसे हैं जिनने मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू कर दिया यहाँ से सीखने के बाद, और कुछ किसानों ने ग्रामीण और अपने शहरी लोगों ने कच्ची घाणी भी लगाना शुरू कर दी यहाँ से प्रशिक्षण पा के। तो मैं समझता हूँ ये शायद तो एक हमारे लोग, अगर मैं कहूँ कि आपकी गौशाला ऑल इन वन है तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इसमें आप मधुमक्खी पालन सिखा रहे हैं, कच्ची घाणी का भी आप बता रहे हैं और घी भी आप बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाली है। अब आपको पूरा फार्म विजिट कराएंगे, क्या क्या चीज़ें इस फार्म में, जो खास खास चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए निकी भैया आइए, अब बढ़ते हैं और गौशाला भी विजिट करते हैं। और आप मुझे ये बताइए, आप गाय कहाँ से लेकर आए? हमने गाय जो मुख्यतः आप देखेंगे तो गिर जो है गुजरात के गिर जंगल की नस्ल है, तो ये नस्ल राजकोट धोराजी मोरबी उधर के एरिया में प्राय भावनगर ये उस एरिया की है। बिल्कुल। तो ये सारी जो गाय है तकरीबन राजकोट और राजकोट के आसपास के जिले ग्रामीण क्षेत्रों से ही आई हुई गाय है। अच्छा, तो आपने शुरुआत कितनी गाय से करी थी? 8 गाय से ना? हमने शुरुआत 9 गोवंश से करी थी। 9 से करी थी। अभी कितनी गाय है? अभी 140 से ऊपर गोवंश है, छोटे बड़े सब मिला के। तो आपने यहाँ पर तैयार करी या खरीदी इतनी गाय? हमने शुरुआती दौर में कुछ गाय खरीदी थी और पिछले 3 साल से हमने गाय खरीदना बंद कर दिया है। अभी जो गाय नेचुरली हमारे यहाँ बड़ी हो रही है, जो केड़िया हमारे यहाँ हुई थी अब वो बड़े हो गए साथ में, अब वो बड़ी गाय बनते जा रही है। अच्छा, तो आप एक चीज मुझे बता सकते हैं, गाय आपने कितने में खरीदी और कितने लीटर वाली खरीदी, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। उस समय जब हमने गाय खरीदी थी तब ये गाय हुआ करती थी तकरीबन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 60 से 70 हजार की हुआ करती थी आज से 8 साल पहले। बिल्कुल। और उस समय एक समय का दूध इनका हुआ करता था 5 से 6 लीटर के आसपास का, जो यहाँ पर आके थोड़ा कम हो जाता था, वो 4 या 5 मिलता था। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि उन्हीं गायों को तैयार करके उनकी ब्रीडिंग करके आज हम यहाँ पे 18 से 21 लीटर तक की दिन की गाय ले चुके हैं और हमारा गोवंश अभी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे नंदी जो है हमारे यहाँ तैयार होते हैं उनका पूरा पेडिग्री होने के कारण एडवांस बुकिंग चलती है। बिल्कुल। और कुछ जो उन्नत किसान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आदमी की जरूरत है, जगह की जरूरत है, तो कुछ चुनिंदा किसान जो हमें लगता है कि सही से गोपालन कर सकते हैं उन्हें हम गाय देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब चलते हैं आगे। वैसे आपके यहाँ पर कितनी गायें दूध दे रही है अभी? अभी हमारे यहाँ तकरीबन 40 गाय जो दूध की है, और अगर हम इनके दूध की बात करते हैं तो कुछ गाय नई है, कुछ गाय बाकड़ी है, तो सुबह शाम का दूध मिला के तकरीबन 190 लीटर के आसपास का दूध होता है। बिल्कुल, 190 लीटर दूध हो जाता है। हाँ जी। और 40 गायें दूध दे रही है। हाँ जी। ऑन एन एवरेज एक गाय की मिल्किंग कितनी है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज एक गाय की मिल्किंग अगर आप समझे तो 5 से 6 लीटर के बीच में आती है। 5 से 6 लीटर टाइम की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे आप एक क्वेश्चन और बताइए कि गिर में प्रॉफिट है या नहीं है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल रहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल। तो इसका मैं उत्तर एक बहुत छोटी सी बात से देना चाहूंगा कि गौ को हमने अगर गौ माता माना है तो हमारा फायदा ही फायदा है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अगर सही बात आपको है। उनकी सेवा, जिस तरह हम एक माँ की सेवा करते हैं, अगर आपने उनकी सेवा करी है बिल्कुल, तो आपको हर तरह से फायदा ही होगा। कोई भी माँ अपने बच्चों का नुकसान नहीं करती है। बिल्कुल सही बात कही है और इस बात से तो मैं भी 100% एग्री करता हूँ। और चलिए अब इनकी गौशाला भी आपको दिखाते हैं। वैसे आपकी इनने क्या व्यवस्था कर रखी है? अच्छा सर, आप एक चीज़ भूल रहे हैं जो मुझे याद आ गई है। बहुत सारे लोग गाय को बांध कर रखते हैं पर यहाँ पर गाय खुली रहती है और लोग बंधे हुए रहते हैं, वो चीज़ निक्की भाई ने की है यहाँ पे, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे
तो एक ये नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है कि अनुमान हम पाते हैं कि प्राणी को हम लोग कैद करके रखते हैं और हम लोग उसके आसपास रहते हैं। बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं ये जो छोटी सी गजीबो जैसा बना हुआ है, छोटा सा हट है ये, तो ये चारों तरफ से फेंसिंग है 30x30 का। बिल्कुल, इसके अंदर हमारे शहर के हम लोग खुद यहाँ पे बैठते हैं, आप देख रहे हैं बीच में चेयर लगी हुई है और इसके आसपास चारों तरफ गाय की परिक्रमा की जगह है, तो गाय आसपास खुले स्वच्छंद माहौल में रहती है और हम लोग जो है अंदर पिंजरे में कैद है। और इसका सुखद अनुभव तो होता है जब आपके चारों आसपास गाय घूम रही है, उनकी गोधूली वेला है, उनके गो रज आपके ऊपर उड़कर आ रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा वो बनता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आपको गौशाला के अंदर लेके। वैसे शेड में भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, वो भी आज आप शेयर कीजिएगा कि शेड कैसे बनाना चाहिए और कैसे सस्ते में अच्छा काम हो जाए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और खासकर जो भी नया किसान, खासकर जो अर्बन फार्मर आजकल गौशाला करना चाह रहा है, तो वो शेड के अंदर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर देता है। बिल्कुल, और उसमें आधुनिकता में ज्यादा पैसा खर्च कर देता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि गाय जो है शुरू से ग्रामीण पृष्ठभूमि की, बिल्कुल उसको सुख सुविधा नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए उसको ये चाहिए कि उसका जो रहने की जगह है वो साफ सुथरी हो, बिल्कुल वो हवादार हो, स्वच्छ हो और वहाँ पे पर्याप्त लाइट हो। तो अगर आप इस शेड में देखेंगे तो सबसे पहले आप इसकी हाइट देखेंगे, तो हमने शेड में भरपूर हाइट ली है। कितनी हाइट है ये? तकरीबन बीच में से जो है 27 फीट है और साइड से जो है 24 फीट है। ओके, बीच में 3 फीट का वो स्लोप है। तो इससे लेने का हमारे को सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि जो गर्मी के दिनों में हीट होती है वो नीचे तक नहीं आती, बाहर से ही रेगुलेट हो जाती है गर्म हवा, क्योंकि हमने ऊपर झिरिया दे रखी है जहाँ से हवा पूरी रेगुलेट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ हमने शेड बनाने में एक ध्यान रखा है, जैसे मॉडर्न साइंस कहता है कि एक गाय को 3.5-3 फीट की जगह पर्याप्त होती है, लेकिन हमने उसको नहीं मानते हुए दो गाय के बीच की दूरी 4-5 फीट रखी है ताकि वो आराम से रह सके। बिल्कुल। तीसरी चीज़ हमने गाय की नांद को भी बड़ी बनाया है ताकि उसको स्वच्छंद रूप से आराम से जगह मिले। बिल्कुल। उसके बाद हमने यहाँ पे ध्यान रखा है कि हवा को रेगुलेट करने के लिए पंखे लगाएं गाय के ऊपर, ताकि अगर हमें गर्मी लगती है तो गौ माता को भी गर्मी लगती है। बिल्कुल। हमने ध्यान दिया है कि जैसे हम लोग एक अगर हमें चॉइस मिलती है कि पट्टी की बेंच और एक कुशन वाली चेयर है, तो हम लोग कुशन पे जाके सोफे पे बैठना पसंद करते हैं। उसी तरह हमने रबर की मैट्रेसेस लगाई है गौ माता के लिए, जिससे उनको कंफर्ट रहे, उनके ऊपर पंखा दिया है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जब गाय अंदर रहती है उनके भवन में तो यहाँ पे गायत्री मंत्र, बांसुरी वादन इस तरह से चलता रहता है, तो एक जो म्यूजिक थेरेपी होती है इससे उनका स्वभाव शांत होता है और कहीं ना कहीं इनसे दूध भी ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। अच्छा, आपने जैसे मुझे शेयर किया था कि अगर गाय को अगर माँ मानेंगे तो बिल्कुल प्रॉफिट होगा, अब आपने गाय को माँ माना है तो आप कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। बहुत अच्छी बात है, आज सबसे ज्यादा आदमी किसी भी आदमी के लिए सबसे पैसा तो हर आदमी कमा लेता है, लेकिन उसके जीवन में सुख और सुकून की कमी रहती है। अगर आप गौ माता से जुड़ गए तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा और बहुत सुकून मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट जो पैसा देके भी आदमी नहीं खरीद सकता है, वो सुख और सुकून वो आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी की अगर उस टर्म्स में भी बात करते हैं, तो आज हम शहर में इसका दूध और खासकर देशी गौ माता का घी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग देशी गौ माता का घी जो है बिलोना पद्धति से वैदिक घी, ये हम लोग यूके में भेज रहे हैं, जापान में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, दुबई में जा रहा है और पूरे भारत में सभी प्रांतों में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप कितने तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी थोड़ा शेयर कीजिए। मूलतः गौशाला से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट है। दूध आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है हमारा विभिन्न तरह का घी। अच्छा, आप दूध और एक घी की आप कॉस्टिंग बता दीजिए, कितने रुपए लीटर में आप बेच रहे हैं? हमारा जो दूध है वो तकरीबन 80-85 रुपए लीटर जाता है और घी की जो कॉस्टिंग शुरू होती है वो 1600 रुपए से शुरू होकर 2400 रुपए 3000 के ऊपर तक जाती है, क्योंकि हम लोग घी जो है एक वैदिक बिलोना पद्धति से तो जो घी बनता है वो बनाते ही है, साथ में अर्जुन छाल से जो अर्जुन घी बनाते हैं, पंचगव्य घृत बनाते हैं, इस तरह से विभिन्न औषधियों वाले घी भी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों अब हम बात तो कर रहे हैं पर आपको दिखाएंगे ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ऐसे यहाँ पर सारा काम यहीं पर ही हो रहा है? आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा काम यहीं पे होता है, यहाँ पे ही गोपालन होता है, यहीं पे ही मधुमक्खी पालन होता है और यहीं पे ही कच्ची घानी है। हमारा कच्ची घानी इस प्रकल्प में लगाने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि जब हम बात करते हैं कि स्वस्थ गाय ही स्वस्थ दूध दे सकती है, तो गाय के स्वस्थ होने के लिए जरूरी है कि उसका आहार पौष्टिकतापूर्ण हो, और उस पौष्टिक आहार को करने के लिए हमने यहाँ पे कच्ची घानी लगा रखी है। तो कच्ची घानी में हम लोग यहाँ पे बादाम का, अखरोट का, नारियल का मुख्य तेल निकालते हैं।
अब ये जो बादाम का खल जो हमारे को मिल जाता है वो गौ माता को जाता है, तो आप खुद ही सोचे कि गौ माता को अगर बादाम की खल या अखरोट की खल या नारियल की खल खाने को मिलेगी तो कितना पौष्टिक वाला उनका आहार होगा और कितनी सुखद होंगी वो। बिल्कुल, और फिर उससे जो उत्पन्न घी और दूध होगा उसकी तुलना कहीं नहीं कर सकते, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डेफिनेटली बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, और सारी गायें अभी अंदर आने लग गई है, अब ये तो गायों का अंदर आने का समय हो गया है। हाँ। अभी इन सब का यहाँ पे इनकी थाली भोजन तैयार है, ये यहाँ पे आके सब अपने अपने स्थान पे जाके भोजन पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब दोस्तों थोड़े से इनके प्रोडक्ट भी देख लेते हैं और ये कैसे काम कर रहे हैं वो भी थोड़ा देखने को समझेंगे। अच्छा, पहले तो मुझे आप ये बताइए, ये थाली आपने क्यों सजा रखी है? ये थाली गौ माता की थाली है। बिल्कुल, तो ये रोजाना इस्तेमाल में होने वाली उनकी औषधियाँ और उनके विभिन्न प्रकार के आहार है। अगर मैं शुरू करूँ तो ये अनाज है जो हमारे यहाँ ही अनाज पूरा इकट्ठा किया जाता है और उसको हमारे यहाँ पे ही दलिया बनाया जाता है। हमारे यहाँ हमने पल्वराइजर लगा रखा है, तो इसके अंदर तीन तरह का अनाज है। इसके अंदर है गेहूँ, मक्का और जौ। उसके बाद में आप देखेंगे तो दाल चूरी है, इसमें उड़द दाल और विभिन्न तरह की दालें हैं। बिल्कुल, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे गुड़ है, गुड़ की राब है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नारियल की खल है ये। इसके बाद आप देख रहे हैं ये बादाम की खल है। बादाम की, हाँ जी, आप देखेंगे जो बादाम अभी अंदर घानी में चलते उसकी खल है। अच्छा, ये कालमे गए, ये काली मिर्च है जी, मिनरल मिक्सचर है, नमक है, मीठा सोडा है जी, और उसी के साथ मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम दिया जाता है। तो इन सब चीजों को जब हम बोलते हैं कि देशी गौ माता के दूध में या घी बहुत पौष्टिक होता है, दूध में 55 तरह के प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को जरूरत है कि आज उन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स को वापस से रिफिल करें। तो उसी तरह से उनका सारा डाइट तैयार किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे ये शेयर कीजिए, ये तो हो गया हम न्यूट्रिशन का, अब गायों को फीड में आप क्या क्या खिला रहे हैं, चारे में क्या दे रहे हैं, वो भी थोड़ा। चारे की बात करते हैं तो सबसे पहले गाय को हम देते हैं भूसा, गेहूं का भूसा होता है, उसके अंदर मूंग का भूसा होता है, फिर खारिया जो कि चने का खारिया होता, होता है, और मूंग और मसूर। इस तरह से चार अलग अलग तरह के भूसे होते हैं, क्योंकि कारण ये होता है जैसे हम केवल रोटी नहीं खा सकते, कभी हमारे को मक्के की भी लगती है, कभी ज्वार की भी लगती है, कभी भाकरी भी लगती है, उसी तरह खारिया जो कि खारेपन पे होता है, मूंग थोड़ा सा कसेरा होता है भूसे का साथ, थोड़ा सा फीकेपन पे, तो उस तरह से उनको एक प्रॉपर मिलता है। उसके साथ ही हम लोग इनको हरे घास की जो कि खासकर मक्के की चरी की कुट्टी करके देते हैं। जी जी जी। और गाय आपकी यहाँ पर रहती है, जैसे बाहर रहती है, तो यहाँ पर आके आप सारी फीड उन्हें देते हैं? हाँ, गाय की सारी, गायों की एक बहुत खास बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे गौ सेवक है वो पिछले 7 या 8 साल से हमारे साथ ही है, और उनका निवास, उनका रहने का स्थान भी गौशाला के अंदर ही है। बहुत बढ़िया। तो उससे क्या होता है, वो गायों की आदत को पहचानने लगे हैं, वो उनकी पसंद और नापसंद को पहचानने लगे हैं कि किस गाय को क्या चाहिए। जैसे हमारे घर में किसी बच्चे को मीठा पसंद होता है, किसी को नमकीन पसंद होता है, और किसी को दूसरा स्वाद पसंद होता है, उसी तरह गायों में भी होता है। तो वो ध्यान रखते हैं कि कौन सी गाय को मीठा ज़्यादा लगता है, कौन सी गाय को गुड़ ज़्यादा देना है, कौन सी गाय को खारा ज़्यादा लगता है, नमक ज़्यादा देना है, या किसको मीठा सोडा देना है। साथ में वो ध्यान रखते हैं कि कौन सी गाय ने क्या करा है, अगर उसने आहार जो दिया है वो पूरा पाया या छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो उसका कारण क्या रहा है। तो इसमें कुछ वो अलग से डॉक्टरी या ऐसा नहीं है, लेकिन वो गाय के साथ रह के उसके नेचर को समझ चुके हैं कि उसको क्या, या तो वो अनमनी है, कुछ समस्या है, या समस्या नहीं है तो उसने क्यों नहीं खाया, तो उस हिसाब से उसकी डाइट रोटेट की जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बोतल है दूध की, आप देख सकते हो 1 लीटर दूध है ना इसमें। ये इनकी पैकेजिंग है पूरी, आप देख सकते हो। वैसे आप इसे खुले में भी बेच सकते हैं दूध को, आज लोकल में जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही बेच रहे हैं, आपने बोतल में पैक किया है, तो इसका कोई खास कारण है? इसका एक बहुत अच्छा कारण ये होता है कि आज जो कस्टमर हम पे विश्वास रखे हुए, उस विश्वास को हमें बनाए रखना है जी। तो ये जो बोतल यहाँ से जाती है तो यहीं पे सील पैक्ड हो जाती है, कस्टमर खुद अपने घर पे सील पैक खोलता है उसको, ताकि उसको विश्वास रहता है कि रास्ते में कोई गड़बड़ी नहीं रही है। और बोतल जो है जैसे ही दूध निकलता है उसके तुरंत बाद चले जाती है। उसी तरह से हमारा जो घी है ये पूरा पैक्ड रहता है, सील्ड होता है, उसके बाद ही यहाँ से जाता है। जी जी। तो जो भी उत्पाद यहाँ पे होते हैं वो गौशाला परिसर में ही उसको पैक करके सील कर दिए जाते हैं, ताकि रास्ते में या कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहे। जी जी जी। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। वैसे आपके प्रोडक्ट तो हमने देख लिए हैं, वैसे आप जैसे ये देख सकते हो आप, तो कितने तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं आप यहाँ पे? हम लोग दूध, फिर कुछ तरह के घी हैं। हाँ। फिर मधुमक्खी पालन से कुछ तरह के शहद है, शहद के मुरब्बे हैं, और मुख्यतः 4 तरह का तेल है। वैसे हम 10 तरह का निकालते हैं, लेकिन 4 तरह का तेल मुख्य रूप से निकालते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा गाय से उत्पन्न हुए, गाय से उत्पन्न
हम अग्निहोत्र और जिनको घर में हवन करना रहता है उनके लिए कंडे देते हैं, और साथ में केचुआ खाद भी बनाते हैं हम लोग, तो ये सारे और कुछ कीट नियंत्रक कीटनाशक जो कि गोबर गोमूत्र से बनते हैं वो भी करते। चलिए तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और थोड़ी सी प्रोसेसिंग इनकी दिखाते हैं, मेन प्रोसेसिंग जो यहाँ पर है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इधर बछड़े हैं छोटे छोटे, और ये कितने साल के हैं यहाँ पे बछड़े? यहाँ पे आप देखेंगे तो बछड़ों को जो है दो तरह से हमने कर रखा है, जो आगे के उसमें है बछड़े वो जो है एक दिन से लेकर 4 महीने तक के बछड़े, और जो पीछे की साइड आप देख रहे हैं थोड़े बड़े हैं वो 5वें महीने से लेके जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक रहते हैं। तो ये बछड़े सारे खुले रहते हैं, इनको दो में प्री प्राइमरी और प्राइमरी, इनको हम नन्ही दुनिया बोलते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्रोसेसिंग एरिया में, यहाँ पर घी की प्रोसेसिंग होती है, दूध की भी यहीं पर ही पैकेजिंग होती है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बिलोना मशीन आपने लगा रखी है, वैदिक बिलोना मशीन, इसका क्या कारण रहा? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब हमें वेदाचार्य ने जब मैंने बताया था कि उनने एक गाय के शुद्ध देशी गाय का बिलोना पद्धति का घी खाने का कहा था बिटिया को, तब समझ में आई थी कि एक फैक्ट्री में बनने वाला घी और एक वैदिक पद्धति से बनने वाला घी में कितना अंतर है। हम देखें तो असली घी तो वही है जो वैदिक पद्धति से जो आज से सालों से हमारे पूर्वज और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बनते आया है। बिल्कुल। अब फैक्ट्री का घी और वैदिक पद्धति से बनने वाले घी को हम दो तरह से समझ सकते हैं, इसमें दो मुख्य अंतर होते हैं, एक तो बनाने की विधि में और एक उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में। अगर हम बनाने की विधि में बात करें तो फैक्ट्री में बनने वाला घी, दूध लिया जाता है, उसमें कौन सी गाय का कितने ब्रीड का फैक्ट्री में बनता है, हजारों लीटर दूध एक साथ, उसके बाद उसमें से क्रीम सेपरेट करके उसको हीट करके घी बना दिया गया है जी। उसमें आपने नहीं पता है कि कौन सी गाय के दूध का कितनी पौष्टिकता वाला दूध लिया और उसमें घी में क्या पौष्टिकता गया। वहीं हम जब वैदिक पद्धति के घी की बात करते हैं तो सबसे पहले दूध देशी गौवंश के दूध से हम लोग उसको दही लगाते हैं, उसका दही जमाते हैं। जब दही जम जाता है तो इस मथनी के द्वारा वैदिक पद्धति जो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाकर इसका मंथन किया जाता है दही का, तो दही में से जो मक्खन निकलता है उस मक्खन को धीमी आंच पे तपाकर घी बनता है, वही ओरिजिनल घी है। बिल्कुल। अब इसमें सबसे खास बात जो रहती है, जब हम बोलते हैं, एक पुरानी कहावत है आप लोगों ने भी सुनी होगी, कोई हष्टपुष्ट पूर्वज दिखता है, बड़ा आदमी दिखता है, बुजुर्ग दिखता है, तो हम बोलते हैं पुराना घी खाया हुआ है। और अभी के लोग तो डॉक्टर घी मना करते हैं, तो अंतर क्या है? क्योंकि अभी जो घी बन रहा है वो फैक्ट्री में बनने वाला घी है, जो घी नहीं बटर ऑयल है, और जो पुराना घी था उसके अंदर दही लगाकर दही का बिलोना कर घी निकाला जाता था जी जी। अब आप देखेंगे इस प्रोसेस में दूध से जो दही बनता है, जो एंजाइम एक्शन होती है, वो पूरी प्रोसेस ही गायब हो गई फैक्ट्री में, और उसके कारण उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। दूसरी चीज इसको एक समझने की तरीका ये भी है कि जैसे हमने बताया कि गौ माता को इतनी सारी औषधिपूर्ण आहार देते हैं, उनको शतावर देते, अश्वगंधा देते, उनको मिनरल मिक्सचर देते, कैल्शियम देते, उनको नारियल खल देते, बादाम की खल देते, अखरोट की खल देते, तो उससे जो दूध मिलता होगा वो कितना पौष्टिक वाला होता होगा। और उस पौष्टिक वाले दूध को जब हम दही लगाते हैं और उसको मथते हैं, और मथनी भी जो होती है बिलोना जो प्रोसेस है वो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लकड़ी की मथनी से, तो जो बटर आता है उसको धीमी आँच में उसको मटकी की हांडी के अंदर तपा के, तो वो असली घी है। बिल्कुल। और उसमें पौष्टिकता बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एक और तरह से इसका जो अंतर बताने की कोशिश करूंगा, तो आज के समय में हम देखते हैं तो उसके अंदर ट्रांसफैट बहुत ज्यादा है, जो हमारा बटर ऑयल है, मैं उसको घी तो नहीं बोलना चाहूंगा, जो फैक्ट्री में बनने वाला घी है उसमें ट्रांसफैट है, और वो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, मोटापे का कारण बन जाए, कोलेस्ट्रॉल का कारण बन जाए, हार्ट डिजीजेस का कारण बन जाए। वहीं अगर हम वैदिक बिलोना पद्धति घी की बात करते हैं तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए बी डी ई के होते हैं, जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद इसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, उसके बाद इसके अंदर नॉन सैचुरेटेड मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, मोफो होता है। उसके अंदर हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर इस घी को पाचन क्रिया को सुधारने की क्षमता होती है, ये हमारा वात कफ पित्त तीनों को संतुलन में रखता है, तो ये घी किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। आज जो भी आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो
घी का सेवन करने का बोलता है, दूध का सेवन करने का बोलता है, तो उसका कारण यही है कि इससे शरीर में ताकत आती है, क्योंकि शुद्ध तरीके से वैदिक तरीके से बना हुआ है। बिल्कुल, ये प्रोसेस रहती है इसकी। ये आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम पहले हाथ से मंथन करते थे उसी तरह से, ये मशीन उसी तरह से डिजाइन है कि उसी तरह से चलती है। बिल्कुल, इसको मथनी बोलते हैं। इसके अंदर हमने जो कल जो दूध था हमारा शाम का, उसका दही लगाया था, और दही लगा के इस मटकी के हांडी में ही हमने दही लगाया था और उसको सीधे यहाँ पे मंथन के लिए रखा है। बिल्कुल, बिलोना होने के लिए। बिल्कुल, चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं, हमने मशीन के बारे में आपको सारी डिटेल बता दी है, अब उस साइड हम चलने वाले हैं, घानी हम आपको दिखाएंगे और कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें होती है उसके बारे में शेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस घानी के बारे में डिटेल आपको बताने वाले हैं, गौशाला के अंदर इसका क्या काम है, क्या रोल है, और इसके बारे में भी डिटेल हम इनसे ही जानेंगे। बताइए। सबसे पहले तो मैं मेरे छोटे भाई गोविंद से आपका इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा, ये मेरे साथ इस प्रकल में इस कार्य में साथ में। बिल्कुल। तो इस घानी का मैं जितने भी गोपालक हैं हमारे देश में, जितने भी जो देशी गोवंश का या दूसरे गोवंश का भी या जो भी गोपालक है, मैं उनको विशेष रूप से यह सलाह दूंगा कि अगर हम गौशाला परिसर में घानी लगा लें तो इससे गौशाला की आर्थिक स्थिति साथ में गायों का स्वास्थ्य दोनों में बहुत फायदा होता है। बिल्कुल। उसका फायदा यह होता है कि ये हमने आप देखेंगे लकड़ी की कच्ची घानी लगाई है, तो इस लकड़ी की कच्ची घानी में हम लोग बादाम, अखरोट, नारियल, आप चाहें तो मूंगफली, अलसी, तेल या सरसों का भी तेल निकाल सकते हैं। अच्छा। तो तेल तो आपको उपयोग में आएगा ही, जो आपकी गौशाला की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, साथ में जो इससे निकलने वाली खल है, जैसे आप देखेंगे ये नारियल की खल है, ये नारियल की है ना, ये नारियल की खल है, तो अब ये खल आप देखिए इसको हाथ में, आपके हाथ में तेल आएगा भी। बिल्कुल आ गया, ये देखिए आपके हाथ में तेल आ रहा है, तो इसमें तेल का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ये हम लोगों के द्वारा प्रोसेस करी गई है तो हमें पता है कि इस खल में क्या है, कितनी शुद्ध है, और ये जब गाय खाती है तो उसका जो एक तो बहुत रुचि से गाय खाती है। बिल्कुल। आप सोचिए कि अगर गाय को नारियल की, मूंगफली की या अखरोट की खल या तिल्ली की खल खाने को मिलती है, तो एक तो वो रुचि से खाती है, पेट भर के खाती है, और दूसरी चीज उसका जो दूध में पौष्टिकता है वो बहुत लेवल तक बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम हर गोपालक को सजेस्ट करते हैं कि उनके गौशाला परिसर में कच्ची घानी रखें, जिससे गायों को लाभ होगा, और गायों का लाभ होगा तो हमें तो लाभ हो गई, साथ में उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बहुत बढ़िया। दोस्तों आपको ये इंटरेस्टिंग फार्म कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, और भाई इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए हमारे सभी किसान भाइयों के पास में, इस जबरदस्त फार्म की इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। दोस्तों मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।